कानपुर टेस्ट का दूसरा और तीसरा दिन बारिश में धुलने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट के पांचवें दिन बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 95 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने आसानी से हासिल भी कर दिया। भारतीय टीम सिर्फ 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर ये मैच जीत गई। भारतीय टीम इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में और मजबूत हो गई है और वो नंबर एक की कुर्सी पर बरकरार है। भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश को पहली पारी में महज 233 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया था। इसके बाद चौथे ही दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 35 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं की और उसने स्कोर बोर्ड पर 285 रन टांग दिए। भारतीय टीम की इस बैटिंग से अचानक कानपुर टेस्ट ड्रॉ से नतीजे की ओर जाने लगा। इसके बाद पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 146 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया और फिर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने बेहतरीन बैटिंग करके टीम इंडिया को जीत भी दिला दी। कानपुर में भारतीय टीम की जीत की स्क्रिप्ट कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की रणनीति ने लिखी थी। दरअसल खेल के पहले दिन भी बारिश ने खलल डाला था और 35 ओवर का ही खेल हो पाया था। इसके बाद बारिश और मैदान गीला होने की वजह से दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। अब ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नुकसान होगा, लेकिन गंभीर और रोहित के इरादे अलग थे। उन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेलकर मैच जीतने की ठानी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाकर बता दिया कि वो ये मैच जीतने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद टीम इंडिया को गेंदबाजों का भी साथ मिला। बुमराह और अश्विन और जडेजा की तिकड़ी ने बांग्लादेश की हार तय कर दी। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने कानपुर में कमाल किया। बाएं हाथ के इस ओपनर ने पहली पारी में महज 51 गेंदों में 72 रन बनाए और वहीं दूसरी पारी में भी उस खिलाड़ी के बल्ले से 51 रन निकले। यशस्वी जायसवाल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। साफ है कि रोहित शर्मा की यंग ब्रिगेड का कमाल है और इसी दम पर भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट में जीत भी हासिल कर ली है। बांग्लादेश पर मिली इस जीत के साथ ही एक तरह से WTC के फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने का रास्ता और आसान और मजबूत भी हो गया है, क्योंकि अब टीम इंडिया के 8 मैच बाकी हैं और उसे अब फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 5 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए होगा, क्योंकि 3 मैच तो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ही होने हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा हालिया रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतर रहा है। तो ऐसे में कोई चमत्कार ही होगा कि टीम इंडिया को WTC फाइनल में जाने से रोक दे। अब बस इंतज़ार रहेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।